हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है और मैं पिछले 21 सालों से क्लास 9 टेंथ के लिए साइंस और 11 ट्वेल्थ जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री देता हूं। आप लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, उस वजह से चैप्टर्स अकॉर्डिंगली हम अपलोड कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ऑर्गेनिक के लिए डिमांड करी, तो इस वजह से आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहले तो हम आज पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड होता क्या है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, जिसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और एच आता है। आप इसको कैसे बनाते हैं, आर ग्रुप लगाते हैं सी एच ओ, और इसका आयुपैक नेम क्या बन जाता है, एल्केनल। एल्केनल के अंदर आप R और C दोनों कार्बन चेन को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है कि आप इस CHO को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते, तो उस केस में हमारे पास एक नया नाम आता है आयुपैक, वो क्या बन जाता है, एल्केन कार्बेल्डिहाइड। एल्केन कार्बेल्डिहाइड। अब इसके अंदर एल्केन जो होता है वो एल्काइल ग्रुप आता है, और CHO को हम अलग से कैसे लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड, ये ई भी आएगा। तो एल्डिहाइड्स के दो आयुपैक नेम हमारे पास बनते हैं, एक एल्केनल जिसके अंदर आर सी कार्बन चेन दोनों आती हैं, और दूसरा हमारे पास आता है एल्केन अलग से और कार्बेल्डिहाइड अलग से, इफ इन केस वी आर नॉट एबल टू यूज CHO इन द चेन। ऐसे ही कीटोन्स का अगर हम आयुपैक नेम दें तो हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश आता है, यहाँ पे दो लोन पेयर आ गए, आप इसके अंदर कार्बन चेन इंक्लूड कर देंगे पूरी की पूरी, और जो पूरी की पूरी कार्बन चेन इंक्लूड करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा एल्केनोन। तो ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स का आयुपैक नेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आयुपैक नेम हम तब सीखेंगे जब हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे एसिड पे। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एल्डिहाइड्स जिनकी फ्रेग्रेंसेस होती हैं। सबसे पहले ये आता है, वनीला एसेंस में यूज होता है, वनीला बीन्स में मिलता है ये केमिकल जिससे वनीला स्मेल आती है। देन दूसरा आता है सैलिसिलाइड मिडो स्वीट, ये एक प्लांट होता है, ये मेडिसिन पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा हमारे पास आता है सिनेमेल्डिहाइड जो सिनेमन की फ्रेग्रेंस देता है। इनका अगर आयुपैक नेम करने की कोशिश करें तो जो सबसे प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या बन जाता है, CHO, और CHO अगर रिंग के साथ आएगा तो वो बन जाता है बेंजाल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, फोर हाइड्रोक्सी, थ्री मिथॉक्सी, बेंजाल्डिहाइड। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास अगेन बेंजाल्डिहाइड बन गया, ये फर्स्ट कार्बन आ गया, ये सेकंड कार्बन आ गया, इसका आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, टू हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ऐसे ही अगर इसका आयुपैक नेम करें तो CHO हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड बन गया टू, और ये क्या आ जाएगा, थ्री। तो हमारे पास थ्री पे क्या आ गया, फिनाइल प्रोप, टू पे क्या आ गया, ईन, और वन पे हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड।
तो ये हमारे पास आयुपैक नेम आ गए तीनों कंपाउंड्स के जिनकी फ्रेग्रेंस है। चलिए कुछ कॉमन नेम देखते हैं इन कंपाउंड्स के। जैसे ये कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, इथेनल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनोन, इसका एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम आ गया, ये हो गया एसीटोन, ये हो गया बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड। इसका आयुपैक नेम अगर हम दें तो वो क्या आ गया, इथेनल। इसका बेंजल्डिहाइड चलता है, इसका क्या आ जाएगा, प्रोप एन। टू ओन इसका आयुपैक नेम दे तो सी एच ओ हमारा प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, तो ये बन जाएगा थ्री ब्रोमो ब्यूटेन वन अल। इसका कॉमन नेम आ जाएगा नेक्स्ट वाले का एसिटोफिनोन, इसका कॉमन नेम आ गया प्रोपायोफिनोन, इसका कॉमन नेम आ गया बेंजोफिनोन। इसका भी हम आयुपैक नेम दे सकते हैं, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन, तो ये आ जाएगा वन फिनाइल इथेन वन ओन। हालांकि कीटोन फर्स्ट कार्बन पे आता नहीं है पर आयुपैक नेम के हिसाब से यही आएगा। इसका अगर हम देखें तो ये भी फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, आयुपैक वन फिनाइल प्रोपेन वन ओन। ये आ गया हमारा बेंजोफिनोन, इसका कॉमन नेम होता है डायफिनाइल कीटोन। कीटोन इस ग्रुप के लिए आ गया और बाकी क्या बचा, दो रिंग्स, इसलिए ये डायफिनाइल कीटोन आ गया। चलिए देखते हैं कुछ आयुपैक नेम्स इन कंपाउंड्स के। तो ये तो दो कार्बन हो गया, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन हो गया, इथेनल। अगेन सेकंड वाले में प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप सी एच हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये क्या आ जाएगा, सेवन। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, तो ये बन जाएगा फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल हेप्टेनल। इसके अंदर पांच कार्बन रिंग में है और प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, कीटोन, तो पांच कार्बन रिंग में और साथ में कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, तो ये आ जाएगा थ्री मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। ये वाला नाम देखिए, अब इसके अंदर रिंग में छह कार्बन है और सी एच ओ अलग से आ रहा है, तो रिंग के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और सी एच ओ अगर अलग से आ रहा है तो उसको हमें अलग से नाम देना होगा, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। राइट, तो कार्बेल्डिहाइड सी एच ओ के लिए आ गया और साइक्लोहेक्स का मतलब है छह कार्बन रिंग के अंदर इसके लिए आ गया। सिमिलरली यहां पर भी सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप आ गया मेन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव, तो यह आ जाएगा पेंट टू इन वन अल। और इसके अंदर भी प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, ये वाला, तो यह आ जाएगा फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, तो वन फिनाइल प्रोपेन वन ओन। तो आई होप आपको ये वाले आयुपैक नेम्स समझ में आए। तो आगे देखते हैं कुछ और भी नाम है हमारे पास आयुपैक के। तो अगेन हमारा ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड, थर्ड फोर्थ एंड ये क्या आ गया, फाइव, तो ये बन जाएगा थ्री ऑक्सो पेंटेन वन अल, थ्री ऑक्सो पेंटेन वन अल। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर भी हमें प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप फाइंड करना है, तो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा हो जाएगा,
इसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर देना होगा, तो कहीं से भी चेंज शुरू कर दीजिए, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 2,4 डायमिथाइल पेंटेन 3-ओम, ये वाला आयुपैक नेम देखिए। अब इसके अंदर हमको कहां से शुरू करना है, तीन CHO ग्रुप है, और तीन CHO ग्रुप किसी भी हालत में सिंगल चेन के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए हमने क्या किया, इन तीनों को अलग कर दिया और हमने कार्बन चेन तीन कार्बन की बना दी। तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, तीनों कार्बन चेन हमारी तीन कार्बन की चेन होगी, तीनों के CHO को हमने अलग से एक्सक्लूड कर दिया, लिख दिया। इसके अंदर बेंजाल्डिहाइड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चों आई होप आपको आयुपैक नेमिंग समझ में आए, तो ये सारे आयुपैक जो है वो NCERT के अंदर दे रखे हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप का। अब कार्बोनाइल ग्रुप होता क्या है, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, जिसका ये वाला कार्बन एटम क्या हाइब्रिडाइज्ड है, sp2, और ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ रही है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो O पे चार्ज आ जाता है माइनस, C पे चार्ज क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा हो गया वो नेचर में क्या हो गया, डायपोलर, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल। तो कार्बोनाइल के दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक है न्यूट्रल स्ट्रक्चर और दूसरा है डायपोलर स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं, है ना, तो ट्राइंगुलर प्लेनर शेप हो गई, हमने ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, इसीलिए वो लुइस एसिड एक्ट करता है, ऑक्सीजन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो वो क्या आ जाता है, लुइस बेस। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन प्रिपरेशंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कौन से ले सकते हैं, प्रेफरेबली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हम लेना पसंद करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज करके हमको क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो इस केस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ही प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वीक में CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही रिएक्शन हो जाए तो आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिमूव कर दें या एल्डिहाइड निकाल दें। दूसरा जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम प्रेफर करते हैं वो कॉपर होता है। अब दोनों में फर्क ये है कि ये प्रेफर करता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कॉपर जो है वो प्रेफर करता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, पर दोनों ही प्रोसेसेस जो है वो ऑक्सीडेशन ही कहलाते हैं। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो तो वो ऑक्सीडेशन पर क्या दे देगा, कीटोन दे देता है, हाइड्रोजन तो वैसे यहां से भी रिमूव हुई है, पर हमने बताया नहीं क्योंकि वो डी हाइड्रोजनेशन बन जाता है। दूसरी जो प्रेपरेशन आती है
उन्हीं अल्कोहल्स का क्या कर दीजिए, डी डी मतलब रिमूवल, किसका, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपर। तो कॉपर 573 पर हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और हमारे पास क्या आ जाता है, एल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके बता देता हूं कि कैसे हाइड्रोजन हट रहा है, यहां से गया H, यहां से गया H। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे वो भी हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, लेकिन वो ऑक्सीडेशन पर क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन दे देते हैं। टर्शरी अल्कोहल नहीं लेंगे हम, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल हाइड्रोजन रिमूव कराने के बजाय पानी रिमूव करा देता है, क्योंकि अगर पानी रिमूव होगा तो OH नेगेटिव यहाँ से जाता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो एलिमिनेशन किसका हो जाता है, पानी का, और वो क्या दे देता है, एल्कीन। इसका नाम हो गया 2-methyl-prop-1-ene। तो हमने देखा, आप प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कीजिए बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड दे देगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स का आप ऑक्सीडेशन करेंगे बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, कीटोन दे देता है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ही यूज कीजिएगा, जिसके अंदर दो आते हैं, एक क्रोमिक एनहाइड्राइड और दूसरा कॉपर एट 573 केल्विन। नेक्स्ट जो हमारी प्रिपरेशन आती है थर्ड, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहला आता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन जैसा भी हो, आपकी नजर डबल बॉन्डेड कार्बन पर होनी चाहिए। जब आप उसको ओजोन से रिएक्ट कराएंगे तो दोनों क्या कर जाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। अगर दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो बाकी तो मैंने एज इट इज वैसा ही लिख दिया। अब तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के ऊपर रख दीजिए और एक एक ऑक्सीजन कार्बन के नीचे रख दीजिए और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं ओजोनाइड, जो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसको जब हम फाइनली रिएक्ट करते हैं आगे जिंक इन वाटर, तो ये वाला ऑक्सीजन ब्रेक करके जिंक के साथ चला जाता है। लॉस किसका आ गया, जिंक ऑक्साइड का, और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, दोनों कार्बन हमारे एज इट इज आ गए और साथ में इनके साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड को। अब इनके साथ क्या क्या अटैच्ड है उससे डिपेंड करता है कि ये एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में ही आ गए, राइट। तो साइड चेन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि ये एल्डिहाइड बनेंगे या फिर कीटोन बनेंगे। मैं आपको एक और बड़ा अच्छा सिंपल तरीका बताता हूं कि आप कैसे याद करेंगे कि कैसे करना है ओजोनोलिसिस, क्विक एंड फास्ट मेथड। आप ऐसा कीजिए, डबल बॉन्डेड कार्बन को हाईलाइट करते उसी को ब्रेक करा दीजिएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी क्या लिख देना, O डबल बॉन्ड C। तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन बनेगा। आप क्विक एंड फास्ट मेथड से ऐसा कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हमारा ओजोनाइड आ गया और बाद में हमने क्या दे दिया, जिंक के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल
अगर हम इन कंपाउंड्स का ओजोनोलिसिस आपको एक बार करके दिखाएं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो इस केस में आपके पास 2 moles ऑफ क्या आ गए, मीथेनल। आप ऐसे ही इसको ब्रेक कर दीजिए, डबल बॉन्ड को कार्बोनाइल ग्रुप में बदल दीजिए, ये आ गया हमारे पास इथेनल और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, मीथेनल। आप इसको ब्रेक कर दीजिए। अगर शो करना होगा तो आपको पहले ओजोनाइट दिखाना पड़ेगा प्रोसेस, नहीं तो क्विक एंड फास्ट एमसीक्यू में आप ऐसे शो करवा सकते हैं। तो यहां पे मीथेनल आ गया, साथ में ये कौन आ गया, प्रोपेनॉल। तो वही बात आ गई कि डिपेंडिंग अपॉन साइड में क्या अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन के, वो डिसाइड करता है कि वो एल्डिहाइड होगा कि वो कीटोन होगा। मेथड कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, राइट। तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन्स के ओजोनोलिसिस से समझ में आया कि कैसे एल्कीन्स एल्डिहाइड या कीटोन्स में बदल जाते हैं। जो हम लास्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स। आप किसी भी एल्काइन का जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, पहले क्या कीजिए, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, पानी ऐड करना। लेट सपोज अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं इथाइन के अंदर, तो ये आ गया हमारे पास एच सिंगल बॉन्ड ओ एच। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या HgSO4, हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल होता है अनस्टेबल, इसलिए हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम, मतलब माइग्रेट कर जाता है फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम, और ये किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड एटम पे माइग्रेट कर जाता है उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। लेकिन ये टॉटोमेरिज्म जिस चीज का एग्जाम्पल है, तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, कीटोन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कीटो इनोलाइजेशन, मतलब आइसोमेरिज्म जो है वो कीटोन ग्रुप के अंदर भी है और इनऑल के अंदर भी है। इनऑल का मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड एल्कोहल। क्योंकि अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स अनस्टेबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करती है टू मेक एल्डिहाइड्स एंड कीटो। तो ऐसी टॉटोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो इनोलाइजेशन। सर सवाल उठता है, यहां तो आप कीटो इनोलाइजेशन कह रहे हो लेकिन बन तो ये एल्डिहाइड रहा है। बेटा सिर्फ इथाइन के केस में ये एल्डिहाइड बना रहा है, अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी एल्काइन लेंगे ये क्या बनाएगा, कीटोन ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर मैंने लिया प्रोपाइल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एच पॉजिटिव, साथ में मर्क्यूरस के सॉल्ट। तो मार्कोनिकोफ्स एडिशन फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए OH नेगेटिव विल गो टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ब्रेक कर गया, ये आ जाएगा CH, C बॉन्ड OH CH2। अब ये आ गया ना अनसैचुरेटेड एल्कोहल।
और अब इसका प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, माइग्रेट करेगा फर्स्ट से थर्ड एटम, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री, आ गया ना ये कीटोन प्रोपेनोन। तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कीटो इनोलाइजेशन, क्योंकि हर एल्काइन कीटोन बनाता है सिवाय इथाइन के केस के अंदर। आई होप आपको कॉमन प्रेपरेशंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की समझ में आई। हम अगले लेक्चर में इंडिविजुअल प्रेपरेशंस एल्डिहाइड्स कीटोन्स की अपलोड करेंगे। इन प्रेपरेशंस को अच्छे से गो थ्रू करना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स इनसे रिलेटेड आती हैं। इनफैक्ट आपके बोर्ड का जो पेपर होगा, हर पेपर में हर साल, अगले साल भी जो आप देने वाले हैं 2021 के अंदर, उसमें भी कन्वर्जन्स होंगी। 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, 3 कन्वर्जन होती हैं और हर कन्वर्जन को आपको 2 स्टेप में करना होगा। एंड ये एक बहुत अच्छा लिंक है बिटवीन ऑल दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया, इस लेक्चर को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू योर कंटेंट, सिलेबस एंड पेपर अटेम्प्टिंग सब आपसे शेयर की जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।